होनेस्टा प्रो। तो आपने इंस्टाग्राम के बहुत सारे मोड वर्जन यूज किए होंगे, जैसे माई इंस्टा, होनेस्टा एंड स्टैंडर्ड। लेकिन ये सारे जब आप मोड वर्जन यूज करने के बाद भी जब आप रील शेयर करते हो तो ना तो उस पर टाइमर आता है ना ही राउंडिंग की जाता है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया होनेस्टा प्रो, जिसमें आप इजीली से टाइमर के साथ एंड राउंडिंग के साथ अपनी इंस्टा स्टोरी लगा सकते हो, वो भी एकदम रियल। तो बस आपको वीडियो एकदम ध्यान से देखना है एंड जो मैं सेटिंग करता हूँ उस सेटिंग को आपको करना है एंड टाइमर राउंडिंग आपके स्टोरी में लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको टाइमर के साथ रील शेयर करना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, बाकी आप वीडियो बोलोगे फेक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रील शेयर करके दिखाता हूँ, वो भी एकदम टाइमर के साथ में। तो चलिए मैं इस रील्स को लेता हूँ एंड यहाँ से करता हूँ ऐड टू स्टोरी नाउ। अब जैसे आप देखोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने जो रील्स के ऊपर टाइमर है वो 100% वर्क कर रहा है एंड 60 सेकंड की रील्स होगी तो वो भी आप शेयर कर पाओगे एकदम टाइमर के साथ में, वो भी इजीली से। ठीक है, तो ये अब सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं आपके होनेस्टा के अंदर, वही इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेन बात बता दूँ, जो आपके अंदर जो होनेस्टा स्टोर है उसको आपको सबसे पहले गेट करना पड़ेगा एंड मेरे लिंक में जाकर इस होनेस्टा को डाउनलोड करने पड़ेगा, क्योंकि ये होनेस्टा का एक अलग वर्जन है। इसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे तभी इसके जरिए सेटिंग होगी, बाकी अदर होनेस्टा के जरिए सेटिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सिम से जाएंगे, ये अपडेट वाला ऑप्शन देखा यहाँ पे एंड होनेस्टा सेटिंग के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा आपको दिख रहा हूँ एडवांस ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप आओ एंड यहाँ पे लिखोगे आप डेवलपर। ठीक है, डेवलपर, तो डेवलपर आप होगा, इसको सिंपली से आप डेवलपर को यहाँ से ऑन कर दोगे। ठीक है, ऑन करने के बाद आप सिंपली से आओगे जहाँ पे न्यू ऑप्शन लिखे, सारे न्यू को ऑप्शन ऑन कर दोगे, इससे इसके जो बेसिक न्यू सॉफ्टवेयर रहते हैं कोई सेटिंग्स रहते हैं वो आप चाहे सब ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कौन से न्यू है। ठीक है, इनको डन करोगे एंड होनेस्टा को ऐसे रिस्टार्ट करके फिर से होनेस्टा को ऐसे इनेबल कर दोगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो जैसे देखते हैं हमारा होनेस्टा हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आइकॉन। ठीक है, होम आइकॉन, उसके सिंपली से टैप रखोगे एंड आपके सामने कुछ पकड़ जाएगा, यहाँ पर लिखा है मॉडिफाई क्यूब एक्सपेरिमेंट सेटिंग। जैसे इसके ऊपर सिंपली टैप करोगे एंड अब आप यहाँ पे जाके एक ऑप्शन को सर्च करोगे क्लिप्स वीडियो स्टिकर। ठीक है, जैसे आप इनेबल, आपको ध्यान रखना है कि सारे सिस्टम जो है ऑफ रहने चाहिए, इनमें से एक भी इनेबल नहीं होना चाहिए। आप एक सर्च करके एक बार से देख लेना कि इनमें जो कोई भी इनमें से एक भी सेटिंग ऑन नहीं होना चाहिए। अब ठीक से आप इसको सब हटाओगे एंड फिर से आप लिखोगे यहाँ पे क्लिप्स ब्रांडिंग। जैसे क्लिप्स ब्रांडिंग लिख के सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो इन सारे ऑप्शन को आप कर दोगे यहाँ से चालू यानी ऑन कर दोगे। ठीक है, इनको ध्यान से आपको ऑन करना है, क्लिप्स ब्रांडिंग वाले को सिर्फ ऑन करना है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आप लिखना है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी लिखोगे एंड आपके सामने बहुत सारे न्यू ऑप्शन आ जाएंगे, तो इन सब के थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे जाओगे एंड यहाँ से जो 180 वाला ऑप्शन है इन सबको इनेबल कर दोगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला सिस्टम है, हाई क्वालिटी का सिस्टम है, स्टोरी इन सारे को आप यहाँ से इनेबल कर दोगे। ठीक है, RCR है, उनको भी ऑन कर दोगे, फिर सिंपली जो है वो मैं करूँगा एंड यहाँ से करोगे उसको डिलीट। ठीक है, अब उसका जो एक मेन सेटिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे होनेस्टा ऑन होगा आप थोड़ा सा वेट कर लेना। अब मैं आपको दिखाने तो सिंपली जाता हूँ इसके अंदर एंड यहाँ से जाके आपको रील्स शेयर करता हूँ। ठीक है, यानी इस रील्स को मैं शेयर के ऊपर ऐड करता हूँ, ऐड टू रील्स स्टोरी के ऊपर ऐड करता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं आपके सामने दिखाने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो, तो देख सकते हो आपके सामने टाइमर के साथ में रील्स यहाँ पे आ गई है। तो इसको क्या थोड़ा सा आपको साइज को बड़ा कर देना है। अब गाइस आपको इतना होने के बाद एक सेटिंग तो आपको करना है, कुछ सही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा गाइस। अब आपको जाना है गाइस यहाँ से फाइल्स के अंदर एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टू मीडिया। ठीक है, जैसे मीडिया के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ से आपको एक अपने अंदर आगे एक PNG को लेना है ना, आपको PNG का नहीं मिलता तो PNG का आपका भाई आपको PNG का लिंक भी दे देगा, वहाँ से आप PNG भी डाउनलोड कर लेना। तो इसको थोड़ा सा गाइस बड़ा करोगे एंड आप अपने रील्स के हिसाब से टू फिंगर उसको एडजस्ट कर दोगे इस प्रकार से। तो देख सकते हो आपके सामने एकदम फुल टाइमर के साथ में रील्स अपलोड हो गई, वो भी बिल्कुल iOS की तरह। और आपको इस PNG का भी लिंक दे दूंगा, मैं फंड का भी लिंक दे दूंगा एंड जो होनेस्टा प्रो उसका भी लिंक दे दो। और एंड में मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपके अंदर जो होनेस्टा इंस्टॉल है उसको आप डिलीट कर दो और दोबारा मेरे इस होनेस्टा को इंस्टॉल करो, उसके बाद ये सेटिंग करोगे तब जाके आपके सेटिंग के अंदर ये वाली सेटिंग सब होने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।